तो बेटा अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट हमने अभी कर लिया है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि अलगू और जुम्मन में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी और जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिसका ख्याल करना उन्होंने बंद कर दिया था। तो अब आंट गई, अलगू के पास गई थी, लास्ट वो हमने ये रीड किया था। तो अलगू को आंट ने पंचायत चुना, तो पंचायत अब हेल्ड की गई। हेल्ड कहाँ की गई? बनियान ट्री के नीचे। तो जो आंट ने आंट को अपना पंच चुनने की अनुमति दी गई थी, तो पंच किसको चुना आंट ने? अलगू को। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये जो सेंटेंस है ये मेन सेंटेंस है इस स्टोरी का, जो आपकी इस फेयर प्ले स्टोरी को सजेस्ट करेगा कि आपको ये क्लियर करेगा कि हाँ कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की आवाज है वही भगवान की आवाज है। यानी कि जो मेन हमने जिसको पंच चुना है वो जो कह रहा है हम उसकी बात को मान रहे हैं। जैसे एक जज कह रहा है कि अपराधी को कि हाँ ये सजा देनी चाहिए या इसको इस तरह से मुक्त कर देना चाहिए, तो हमें उसकी बात को अबाइड बाय यानी हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से पंच की जो आवाज होती है वो गॉड की आवाज समझकर हमें मानना होता है। तो इसी सेंटेंस पर ये आगे जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है यहाँ बेस्ड है। ओके, अब हम चलते हैं बुक बुक। द पंचायत वॉज हैड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब उसी दिन बनियान ट्री के नीचे एक पंचायत हेल्ड की गई और जुम्मन ने बोला कि जो पंचायत की आवाज है वो गॉड की आवाज है पंच की, और पंच जो हम चुनते हैं वो सभी मिलकर ही चुनते हैं। तो जुम्मन वैसे भी बहुत खुश था क्योंकि उसको पता था कि आंट ने अलगू को चूज किया है, तो बढ़िया ही होगा सब, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि जुम्मन ने कहा कि लेट माय आंट नॉमिनेट द पंच, कि मेरी आंट को पंच चुनने की अनुमति दी जाए। आई विल अबाइड बाय का मीनिंग है, देखो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन को स्वीकार कर लूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो अनाउंस्ड किसको किया? ओल्ड लेडी ने अलगू को, और कहा कि पंचायत जो है पंच जिसको हम चुनते हैं वो ना तो कोई फ्रेंड जानता है ना कोई एनिमी जानता है। तो फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जुम्मन बहुत खुश था कि उसका फ्रेंड ही आंट ने चूज किया है, और वो अंदर ही अंदर अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी वो इतने लक में आ गया कि उसको पता था कि जुम्मन तो इसके खिलाफ, अलगू इस जुम्मन के खिलाफ नहीं जाएगा, वो अंदर ही अंदर बहुत खुशी मना रहा था। तो चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा चाची आपको पता है ना कि मैं कितना अच्छा, मेरा जुम्मन कितना अच्छा फ्रेंड है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो मुझे पता है कि आप फ्रेंडशिप के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। तो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो वॉइस है वो भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, इस तरह से कहकर ओल्ड लेडी ने अपना केस सुनाना शुरू कर दिया। जुम्मन सैड अलगू, अलगू ने कहा यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने की तुम प्यारे हो। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम दोनों मेरे लिए इक्वल हो। यू हैव टू से इन योर डिफेंस, वट हैव यू से इन योर डिफेंस, डिफेंस होता है बचाव में कहना कुछ अपने, तो अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago बिगेन जुम्मन, इस तरह से कहने के बाद जुम्मन ने अपनी बात स्टार्ट की और कहा 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, अपनी प्रॉपर्टी आंट ने मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, कि जब तक वो जीवित रहेगी मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, ये कहकर मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था मैं कर रहा हूँ और मैंने किया। देर हैव बीन अ कपल ऑफ कॉल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। अब दोनों मेरे वाइफ और आंट दोनों ही लड़ते हैं और जिसे मैं स्टॉप नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट ये क्लेम कर रही है कि मुझे भत्ता दिया जाए, मुझे महीने के लिए कुछ पैसे दिए जाए ताकि मैं एक सेपरेट किचन बना सकूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और मैं बस इतना ही कहना चाहता था। तो जुम्मन ने यहाँ अपनी बात रख दी।
जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अल्कू एंड अदर। अब जुमन को क्रॉस एग्जामिन यानी जैसे आपने देखा होगा अदालत में सभी बैठे होते हैं और फिर एक दूसरे सभी बातें करने लग जाते हैं, कोई पक्ष में बोलता है तो कोई विपक्ष में, तो इस तरह से बातें करने लग गए। तो देन अल्गू अनाउंस्ड वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली। अब अल्गू ने ये कहा कि अब हमें इस मैटर पर, इस ये जो मसला है इस पर हमें केयरफुली ध्यान देना चाहिए। तो इन आर ओपिनियन जुमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। तो जुमन को मंथली अलाउंस देना चाहिए और एज अ प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस दे दी जाए। तो अल्गू ने ये फैसला लिया। तो नाउ द टू फ्रेंड्स वर सडन सीन टूगेदर। अब जुमन ने जब ये फैसला ले लिया तो अल्गू की आवाज जो अब थी पंच बन गया था, उसकी आवाज गोड की आवाज थी, उसको लगा कि नहीं जुमन गलत कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसके जुमन आंट के लिए उसने बोला कि या तो उसको अलाउंस दिया जाए या फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दी जाए। एंड सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी। या नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टूगेदर, सेल्डम मीन्स रेयरली, कभी कभार अब दोनों फ्रेंड्स मिलते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब उन दोनों का जो प्यार था, उनकी फ्रेंडशिप थी, वो ब्रोकन यानी टूट चुकी थी। इन फैक्ट द जुमन वॉज अल्गूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। अब जुमन अल्गू से रिवेंज लेना चाहता था। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट टू। नाउ वी विल कम ऑन पार्ट थ्री। तो बेटा अब हमने पार्ट वन तो कर लिया था, पार्ट टू जब हमने यहाँ सारा कर लिया तो मैं उसको ब्रीफली अब क्लियर कर देती हूँ। तो अब एक जुमन अल्गू जुमन और आंट तीनों ने मिलकर एक पंचायत बिठाई, और पंचायत कहाँ पे हेल्ड की गई, बनार ट्री के नीचे। तो उसमें आंट को अनुमति कहा गया कि आप कोई भी पंच चुन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंट ने अपना पंच चुना अल्गू को। अल्गू ने बोला कि आपको पता है ना आंटी कि जुमन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट आंट ने कहा हाँ मुझे पता है, बट मुझे पता है कि जो वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज है वो गॉड की ही आवाज है, तो तुम गलत नहीं करोगे, तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मरने दोगे। तो अल्गू ने वही किया। अल्गू ने क्या किया, अल्गू ने जब जुमन की बात सुनी, जुमन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, या क्रॉस एग्जामिन वर्ड आया इसमें कि आपस में जब सारी बातें की गई, सबसे भी विचार लिए गए, तो उसमें फिर अल्गू ने ये फैसला किया कि उन आंट को अलाउंस मिलना चाहिए, अलाउंस भी मिलना चाहिए। अगर अलाउंस नहीं देते तो फिर प्रॉपर्टी पूरी वापस कर दी जाए। तो इस तरह से अब जुमन अब बात तो मानी थी, क्योंकि जो वॉइस ऑफ पंच है, पंच की जो आवाज है गॉड की आवाज है। अब पंच कौन था, अल्गू था। अब अल्गू की जो आवाज थी वो जुमन को, अल्गू ने जो कहा था, अल्गू का जो निर्णय था वो आंट और जुमन दोनों को मानना था। अब फैसला जा रहा था जुमन के खिलाफ। अब जुमन और अल्गू दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहे। पार्ट टू में यही दिखाया था कि दोनों अब कभी कभार मिलते थे और दोनों अब फ्रेंडशिप उनमें नहीं रही। अब आएंगे हम पार्ट थ्री पर।